अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इससे पहले बरेली वासियों में अलग जगाने के लिए सनातन यात्रा निकाली गई, जिसको अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित शिवकांत महाराज ने भव्य स्वरूप दिया। वहीं इस यात्रा में पूरे शहर में भ्रमण कर लोगों को जागरूक किया, जिसका शहर में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर और यात्रा के पदाधिकारियों को फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर सनातन यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने कहा कि सनातन विश्व का सबसे पुराना धर्म है, जो जगत कल्याण की बात करता है। आज इस भव्य यात्रा के जरिए लोगों में सनातन धर्म की अलग जगाई जा रही है। ये सनातन यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में निकाली जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि शहर में सनातन यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत होना सभी में भगवान श्री राम में आस्था को दर्शाता है। हमारे रगों में, हमारे खूनों में दौड़ विरोध कर रहे हैं। हम हमेशा विरोध करते रहते हैं। जैसे अभी हमारी सापा की मुलायम सिंह की है, जी ने कहा है कि उन्हें घर घर सब लोग जी ने, तो ऐसा हमारे सनातनी, हमारे राम भक्त हैं जिनके घर में घी क्या घी की नदियां बह जाएंगी, ऐसा सब में जोश और उत्साह है। हम दीपावली की तरह ये 22 जनवरी मनाएंगे और देखिए भारत में, पूरे भारत में किस तरीके से ये दीपावली मनेगी, सभी मोदी देखते रह जाएंगे। जय हिंद। सनातन हमसे शाश्वत है और वो कभी ना समाप्त होने वाला है। सनातन का पूरा सबको लेके चलना और हमारा ये धर्म है, हम सभी लोग इसको आगे लेकर चल रहे हैं। और हमारा शिवकांत महाराज ने प्रारंभ किया है, वो हम लोग लगातार इस यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पुरुषार्थ करती है। सभी लोग साथ में मिलकर इस यात्रा को निकाले और हमारे सारे लोग एक ही बंदे के हैं। ऐसे में सनातन रात हो चुका है, झंडा भगवान लहरा रहा है। अब उसको जो भी अपनी संस्कृति, हम सभी लोग आज हर्ष के साथ सनातन को हृदय में धारण करते हुए, हाथ ध्वजा धारण करते हुए आगे बढ़ने के लिए बरेली में आए हुए हैं। कट्टरपंथी लगातार बड़े ही गौरव की बात है। राम शब्द से तात्पर्य रमना, वो राम शब्द शाश्वत है, हर के हृदय में रमा हुआ है। और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि अयोध्या में राम लला इतने 500 वर्ष के बाद विराजमान होने जा रहे हैं। हालांकि वो हमारे हृदय में विराजमान है, फिर भी अनुभव कर रहा है, ये महसूस कर रहा है कैसे हम अयोध्या पहुंच जाए, कैसे हम वहां पहुंच जाए। 14 से लेकर 22 तक सभी लोग अपने अपने मंदिरों को पूरा साफ सुथरा करके भजन कीर्तन करने के साथ साथ 22 तारीख को सभी लोग दीपक जलाएंगे और शादी का दीपावली मनाएंगे। देश और ये भारत और भारत के नागरिकों में ये सनातन जो है उनकी आत्मा में बसता है। बिना सनातन के भारत की पहचान नहीं है। तो ये सनातन यात्रा यहाँ के धार्मिक और जागरूक नागरिकों को 22 जनवरी के लिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अपनी सहभागिता और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सनातन यात्रा का यहाँ बरेली में कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए यहाँ पर जो महाराज श्री हमारे अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास श्री शिवाकांत महाराज जी आए हुए हैं, इनके मार्गदर्शन में, इनके आशीर्वाद से यहाँ के सनातन प्रेमी सभी परिवारजन इस यात्रा को सुंदर और भव्य दिव्य स्वरूप दे रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे बरेली की जनता जो धर्म भीरू है और ये ब्रज क्षेत्र का बरेली आता है, तो यहाँ तो भगवान हर के हृदय में विराजमान होते हैं। राम और कृष्ण यहाँ सबकी आस्था के केंद्र हैं। पूरा बरेली 15 तारीख से 22 तारीख तक भगवामय होगा, राममय होगा, कृष्णमय होगा और घर घर दिवाली बनेगी, दीपक जलेंगे और संकीर्तन। जो सनातन यात्रा निकाली जा रही है वही यात्रा आज नाथ नगरी बरेली में निकल रही है। भव्य तैयारियां हैं और सनातनी लोगों में जोश है। सनातन का झंडा लेकर के लोग सड़कों पर निकलेंगे और सैकड़ों की तादाद में वाहन होंगे, सनातनी लोग होंगे। बहुत अद्भुत यात्रा है, उत्साह का माहौल है। घर घर में सनातन पहुंचाना यही लक्ष्य है। एक दिन पूरा भारत वर्ष सनातन में बनाना है, इसी परिकल्पना के साथ हम लोग सनातन यात्रा निकाल रहे हैं। भाई भाई में छोटी छोटी बातों में विवाद हो जाता है,
उनको ये समझाना कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है। तो यही एक संदेश यात्रा है और इसी उद्देश्य से हम लोग सनातन यात्रा निकाल रहे हैं।